प्लस टू द्वितीय वर्ष इतिहास छात्र छात्री मान समस्त स्वागत करुच्चे माई सी एच एस सी क्लास पे इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री इज मिस्ट्री चलतु पढ़ा गोटे पर गोटे प्रश्न यूनिट टू रणिक आसी जो गुड़िक कि एम सिक्यू प्रश्न चलतु प्रथम प्रश्न कौन ना महावीर क्यों मिश्रित भाषा तांको बाणी प्रचार करुथले क्यों मिश्रित भाषा रे बा लोकल भाषा रे बा स्थानीय भाषा रे प्राणी माने बाणी प्रचार करुथले मगधी अर्धमगधी पाली सोरसेन उत्तर कौन हम समस्ते लाइव चैट बॉक्स रे आंसर देवे उत्तर होची अर्धमगधी। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखिबा बाहुबली को मूर्ति केउठी अवस्थित बाहुबली को मूर्ति केउठी अवस्थित माउंट अबू सांची श्रवण बेलगोला ना सारनाथ तेणु बाहुबली को मूर्ति केउठी ना उत्तर बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न ब्यूरो बहर प्रश्न श्रवण बेलगोला ठारे बाहुबली मूर्ति अवस्थित। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा बौद्ध धर्म प्रतिष्ठाता किए बहुत इजी प्रश्न बौद्ध धर्म प्रतिष्ठाता किए शुद्धोधन गौतम बुद्ध राहुल जशोधारा कौन हम उत्तर हो गौतम बुद्ध समस्ते जानती गौतम बुद्ध केउठी जन्मग्रहण करते यहाँ तो आंसर कर गौतम बुद्ध केउठी जन्मग्रहण करते बनारस पटना कपिलावस्तु ना काठमांडू कौन हम उत्तर उत्तर हो कपिलावस्तु। ओके नेपाल कपिलावस्तु ठारे। नेक्स्ट प्रश्न गौतम बुद्धंकर माता नाम कौन थिला महादेवी ना श्रीदेवी ना मायादेवी ना ऐश्वर्य देवी केते सुंदर प्रश्न पिला माने तेणु उत्तर हो कौन ना ये हूँ मायादेवी से जन्म दे से मृत्युवरण करते मायादेवी तेणु मायादेवी नई से गौतम बुद्ध तक मौसी मौसी से पालित होते। ओके नेक्स्ट प्रश्न कौन ना गौतम बुद्धंकर पत्नी का नाम कौन थिला गौतम बुद्धंकर पत्नी नाम जशोदा जशोधारा कात्यायनी ना मैत्री कौन हम उत्तर हो जशोधारा। ओके जशोधारा महावीर पत्नी का नाम कौन ना जशोदा। देखिबा नेक्स्ट प्रश्न 29 वर्ष बयस गौतम गृह त्याग करम को कौन कहा जाए नहीं से कर्मटा को कौन कहा जाए जो गृह त्याग कले महापरिभ्रमण महानिर्वाण महानिष्क्रमण महापलायन कौन हम उत्तर हो महानिष्क्रमण बोली कहा जाए महानिष्क्रमण जो गृह त्याग कले सन्यासी हेले। देखिबा नेक्स्ट प्रश्न गौतम बुद्ध गौतम को गृह त्याग कलापर गया निकटस्थ केऊ अरण्य रे घोर तपस्या मग्न हो गले गया निकटस्थ केऊ अरण्य रे। ओके लुम्बिनी पयागम ना श्री भूतपुरम ना उरुबिल्ल कोठी ना उरुबिल्ल से उरुबिल्ल ठारे से कौन तपस्या मग्न हो से निर्वाण प्राप्ति करते। ओके गौतम ज्ञान प्राप्त होता असतत वृक्षर नाम कौन होता नहीं असतत वृक्षर नाम कौन थी मोक्ष वृक्ष ज्ञान वृक्ष बोधिद्रुम बोध द्रुम कौन हम ना उत्तर हो बोधिद्रुम होता। ओके से ही असतत वृक्षर नाम हो बोधिद्रुम। नेक्स्ट प्रश्न गौतम दिव्य ज्ञान प्राप्त बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गौतम दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा धर्म प्रचार को कौन कह जाए धर्मचक्र प्रचार धर्मचक्र प्रवर्तन धर्मचक्र ज्ञानदान धर्मचक्र मुख्य दान कौन ना धर्मचक्र प्रवर्तन बोली कहा जाए तेणु जो ब्राह्मण को पांच जन ब्राह्मण को प्रथमे ज्ञान देते सारनाथ ठारे से ब्रह्मचक्र प्रवर्तन। देखिबा नेक्स्ट प्रश्न ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रे क्यों राष्ट्र रे हेरोक्लिटस नामक धर्म प्रचारकर आविर्भाव घटी हेरोक्लिटस कौटी थे पारस्य चीन श्रीलंका ग्रीस कौन हम उत्तर उत्तर हो ग्रीस देश। ओके ग्रीस देश में हेरोक्लिटस नामक धर्म प्रचारकर आविर्भाव घटी। नेक्स्ट प्रश्न देखा चारोटी सत्य मध्य निहित बौद्ध धर्मर मौलिक नीति को कौन कह जाए चतुर्सत्य चतुर्धर्म चतुर आर्य सत्य चतुर्दुख नाशन कौन हम ना चतुर आर्य सत्य। ओके चतुराज्य सत्य। नेक्स्ट प्रश्न केते वर्ष बयस बुद्ध दिव्य ज्ञान प्राप्त होते 30 वर्ष 32 वर्ष 35 वर्ष 36 वर्ष कौन हम उत्तर हो 35 वर्ष बयस से दिव्य ज्ञान प्राप्त होते। नेक्स्ट प्रश्न बौद्ध धर्मर लक्ष्य कौन कैबल्य मोक्ष अमरत्व ना निर्वाण कौन हम बौद्ध धर्म लक्ष्य समस्ते निर्वाण पाइबे समस्ते निर्वाण पाइबे। नेक्स्ट प्रश्न आर्य अष्टांग मार्ग को अन्य नाम रे कौन कहा जाए अन्य नाम रे कौन कहा जाए आर्य अष्टांग मानक को श्रेष्ठ पथ उत्तम पथ मध्यम पथ अधम पथ कौन कहा जाए ना ताको मध्यम पथ बोली कहा जाए। ओके यहाँ मध्यम पथ बोली कहा जाए बौद्ध धर्मर पवित्र ग्रंथर नाम कौन ना बौद्ध धर्म पवित्र ग्रंथ कौन ना कल्पसूत्र त्रिपिटक भागवत बाइबल कौन हम उत्तर हो
ତ୍ରିପିଟକ ଓକେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତ୍ରିପିଟକ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ କେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମହାଯାନ ହୀନଯାନ ବଜ୍ରଯାନ ସହଜଯାନ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମହାଯାନ ଏ ମହାଯାନମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ହୀନଯାନମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କେଉଁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଥମେ ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ଶିଖ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଆମେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ମଠ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନାଇଁ କି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ବର୍ଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିଥିଟି କେଉଁଠି ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ବର୍ଷର ପାଇଁ ବର୍ଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିଥି କେଉଁଠି ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୈଶାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ କ'ଣ ହେବ ନା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓକେ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 251 261 258 261 କ'ଣ ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ହେବ ଆନ୍ସର ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 ଏଇଟା ବି ଲେଖାହେଇଛି ଏଇଟା ବି ଲେଖାହେଇଛି ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆନ୍ସର ହେବ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 322 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ନନ୍ଦ ରାଜତ୍ୱର ଅବସାନ କିଏ ଘଟାଇଥିଲେ ଶିଶୁନାଗ ନନ୍ଦରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାଲକ୍ୟ କିଏ ଘଟାଇଥିଲେ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସିଏ ଯେଉଁ ନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟର ଅବସାନ ଘଟାଇଥିଲେ ଓକେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଅଶୋକଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ବିନ୍ଦୁସାର ଶିଶୁନାଗ କୌଟିଲ୍ୟ ଶେଷଦେବ କ'ଣ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିନ୍ଦୁସାର କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନା ପିଲାମାନେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଶୋକ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 268 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 275 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 278 କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273 ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 273ରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଅଶୋକ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଅମିତ୍ରଘାତ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଅମିତ୍ରଘାତ ଓକେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଶୋକ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ନା ବିନ୍ଦୁସାର ଇଏ ଅମିତ୍ରଘାତ ଉପାଧି କିଏ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁସାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁସାର ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଇତିହାସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କରିଦେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।